आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ केयर के एक बेहतरीन प्रोडक्ट फ्लेक्स ऑयल का। ये साथियों फ्लेक्स ऑयल वेस्टिज का, इसके अंदर है अलसी का तेल। ये काम करता है हृदय को स्वस्थ बनाने के लिए, और इसके अंदर कुछ औषधीय तत्व हैं इसके अंदर, जिसमें से हैं ओमेगा 3, जो कि मछली का जो तेल होता है उसके अंदर भी ओमेगा 3 पाया जाता है। उस मछली के तेल के अंदर जो ओमेगा 3 होता है उससे 50% अधिक इस फ्लेक्स ऑयल में ओमेगा 3 है। और हम सभी जानते हैं कि मछली का तेल प्रत्येक के लिए सेवन करना इतना आसान नहीं है, तो इसके अंदर ओमेगा 3, साथ में ओमेगा 6 और लिग्नान नामक जो एक स्रोत है, जो कि पुराने से पुराने जो मधुमेह के जो मधुमेह से पीड़ित हैं उस इंसुलिन को भी नियंत्रित करने में ये फ्लेक्सीड ऑयल काम आता है। ये अलसी का एक पौराणिक बीज है। पोषण विशेषज्ञों और खोजकर्ताओं ने इसको सुपर फूड भी बोला है, और ये जो हमारा हृदय के अंदर जो वाहिनियाँ हैं उसके अंदर जो थक्का बनता है वो थक्का भी ये नहीं बनने देता है। ये कोलेस्ट्रॉल को, जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने में, उसको गलाने में भी ये सहायक हैं। ये जो फैट जो जमा होता है, जो मेटाबॉलिज्म की लोगों को जो समस्या है उसको भी ये कम करता है, और ये नज़र बढ़ाने में और कैंसर जैसी प्रॉपर्टीज, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, जिसमें कि कैंसर की रोकथाम के लिए भी ये बहुत सहायक हैं। और ये इसको प्रेगनेंसी के अंदर भी इसको ले सकते हैं, ताकि जो उसकी जो कोशिकाएं हैं वो जो थकान कोशिकाएं जो रहती है वो थकान वाली रहती है उसको वो वापस चुस्त दुरुस्त कर देता है। और इसमें ओमेगा 3 होने के कारण ये बहुत सारी बीमारियों से भी हमारी रक्षा करता है। और इसके अंदर जैसे कि किसी को शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी काफ़ी हद तक इसको इसमें राहत मिलती है। और साथ ही साथ इसमें ओमेगा 3 में 60% जो है ओमेगा 3 है, यानी तेल के इस अलसी के तेल में 40% तेल और 60% के लगभग ओमेगा 3 है, जो शरीर के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और हम देखते हैं कि ये कैसे जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तो देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कुछ इस तरह से क्लॉट बन जाते हैं। अब इसको देख रहे हैं, ये जो हमारी वाहिनी है जहाँ से रक्त की प्रवाह होता है उसमें आप ये देख रहे हैं येलो जो चीज़ है वो क्लॉट, क्लॉट ये चिकित्सीय भाषा में, लेकिन ये जो थक्का जिसको बनना कहते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल जो जिसको बोलते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे इस तरह से जमा हो जाता है। और इसके लिए फिर अगर ज़्यादा समस्या हो तो फिर जो चिकित्सक है वो ऑपरेशन तक इस तरह की भी जो दे देते हैं। और आज कारण है कि हम जितना भी जो तेल, जो रिफाइंड ऑयल और इस तरह का जो हम खाना खाते हैं वो कहीं ना कहीं इसका एक कारण है। और आज जो जल है वो दूषित जल हो गया है, जो हवा है वो प्रदूषित हो गई है, और भोजन है जिसमें सभी प्रकार की मिलावट होने की वजह से जो शरीर के अंदर इस तरह के कोलेस्ट्रॉल बढ़ना एक आम है। आज हृदय की बीमारियों में लगभग देश टॉप 5 के अंदर आ चुका है, और आने वाले टाइम में इसको बता रहे कि 3 और 2 में भी आ जाएगा। इसका मतलब ये बहुत ही जिसको हम जिस तरह से किया मिलावटी खाना और इस तरह से हम खाते हैं तो ये होना कोई बड़ी बात नहीं है। और इसलिए हमें प्रिवेंशन इज़ द बेटर देन क्योर, इस चीज़ में कि रोकथाम ही इलाज का निवारण है, तो हम इसको प्रिवेंशन के रूप में भी इसको ले सकते हैं। और हर पर्सन को साल में लगभग 2 से 3 माह इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेन हैमरेज जैसी समस्याओं से भी दूर रखता है, और जो मानसिक संतुलन भी ये बनाए रखता है इस में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की वजह से, और लिग्नान जो नामक इसके अंदर होने से वजह से जो शुगर लेवल है उसको भी ये मेंटेन करता है। तो आज हम देखेंगे कि क्या वाकई जो इसके अंदर जो हमारे रक्त के अंदर जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है वो कोलेस्ट्रॉल को हटा देता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डेमो करते हैं कि वाकई क्या ये जो अलसी का तेल है वो हटा देगा। तो हमारे पास ये है फॉर्म, इसे थर्माकोल, इस थर्माकोल को हम देखते हैं। ये थर्माकोल जो है इसको मैं टुकड़ा कर लेता हूँ एक, और ये तो थर्माकोल है। ये थर्माकोल अगर इसको हम पानी में डालेंगे तो ये गलेगा नहीं, अगर इसको हम ज़मीन के अंदर गाड़ भी देंगे तो भी ये ख़त्म नहीं होगा, और हमने अगर इसको जला भी दिया तो जल तो जलने पर ये बट्टी बन जाएगा लेकिन पूरा ख़त्म नहीं होगा। आप इसका ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये जो अलसी का जो फ्लेक्स ऑयल है ये इसको पूरा का पूरा गला देगा। तो आइए देखते हैं, करते हैं इसका डेमो। तो ये मैं यहाँ फॉर्म रखता हूँ, और
इसके अंदर से मैं ये अलसी का जो फ्लेक्स ऑयल का जो ये कैप्सूल्स है, ये ऊपर इसकी जिलेटिन से बनी होती है, ये पानी के अंदर गल जाता है और गलने के बाद में ऑटोमेटिक इसके अंदर जो ओमेगा 3 है, जो तेल है, वो हमारे शरीर में काम करने लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, अब इसका डेमो करते हैं। तो आइए, तो साथियों ये जो अलसी का जो कैप्सूल है वो पानी के अंदर किस तरह से गल के और किस तरह से ये काम करेगा, उसके लिए हम एक डेमो जो अभी अपने हथेली पे करेंगे। दूसरा डेमो जो है, मैं आपको ये शरीर के अंदर बहुत सारा पानी होता है और पानी में जाकर के किस तरह से काम करेगा, तो हम ये क्या करते हैं कि पानी का एक ट्रे लिया है और इस ट्रे के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं। तो हमने थोड़ा थोड़ा इन दोनों में ये पानी डाल दिया है। अब हम क्या करते हैं कि एक के अंदर ये जो अलसी का बीज है, वो बीज का जो तेल जो कैप्सूल के फॉर्म में बना हुआ है, उसको हम डाल देते हैं। तो इसमें हम एक काम करते हैं, इसके अंदर हम फर्स्ट के अंदर ये डाल देते हैं और सेकंड में जो है वो पानी की जगह पानी ही रहने देते हैं। तब तक हम क्या करते हैं कि इसका डेमो, क्योंकि इसको हमें 5 मिनट के लिए हमारे जो शरीर के अंदर जाएगा और ये काम करेगा, तो हम तो घड़ी में 5:38 हो चुके हैं। तो हम इसको 43 पे हम उस कैप्सूल को देखेंगे, क्या वो गल गया है पानी के अंदर और अपना काम शुरू कर दिया है। तब तक हम क्या करते हैं कि इसके अंदर से एक कैप्सूल और निकालते हैं। हमने ये इसके अंदर से कैप्सूल निकाल लिया है और दूसरे हाथ में हमारे पास ये जो थर्माकोल है उसको हम हथेली पर रखते हैं। थर्माकोल को आप देख पा रहे होंगे कि हमने हथेली पर रखा है थर्माकोल को, जो आपके सामने है। और अब मैं इसको क्या करता हूँ कि जो कैप्सूल है हमारे पास फ्लेक्स ऑयल, उसको मैं अपने माउथ के साथ सहायता से इसको मैं थोड़ा फोड़ लेता हूँ और कुछ बूंदे आप देख पा रहे होंगे, कुछ बूंदे जो है मैं इसके ऊपर गिराता हूँ। ये 4-5 इसमें मैंने गिरा दिए, अभी भी इसके अंदर आधे से ज़्यादा है। आप देख रहे होंगे कि आधा से बहुत ज़्यादा है, लगभग 60-70% के आसपास पड़ा है। इसको हम क्या, मैं क्या करता हूँ, क्योंकि इसको हम ख़राब क्यों करें, इसको मैं अपने जीभ पे डाल देता हूँ। आप जो देख रहे हैं कि जो हमारे पास जो फ्लेक्स ऑयल था वो हमने उस थर्माकोल पे डाला, और आप देख रहे हैं कि थर्माकोल जो किससे भी नहीं गलता है, ना पानी से गलता है, ना वो ज़मीन में गाड़ने से गलता है, वो आप देख रहे हैं कि वो जो है पूरा पूरा जो गल के ख़त्म सा हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। और जिसमें हमने इसमें ओनली 40% तक ही लिया है, अगर पूरा डालते तो वो विदिन 2-3 सेकेंड के अंदर ही ख़त्म हो जाता। तो इसी तरह से जो हमारे शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बने हुए होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल जो रहता है जमा, जो थका बना होता है, उसको ये गला करके और हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है मल के साथ। तो हाथी लगभग 43 हो चुके हैं। और अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जिस तरह से ये कैप्सूल इसके अंदर पड़ा है, इसको हम देखते हैं कि ये जो है अंदर फूट चुका है, आप इसको देख सकते हैं, ये कोई जिलेटिन से बनी होती है तो ये फूट गई है। और ये जो अलसी का तेल जो है वो इसके अंदर घुल गया है और एक तरफ हमारा जो पानी है वो डाला। अब हम क्या करेंगे कि थर्माकोल के हम 2 टुकड़े करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं हमारे जो हमने जहाँ फ्लेक्स ऑयल डाला हुआ था वहाँ पे, इस थर्माकोल को वहाँ डाल देते हैं। मैंने बहुत बड़ा लिया इसके अंदर लेकिन फिर भी। और एक तरफ हम क्या करते हैं कि जो पानी है उसमें हम डाल देते हैं, थोड़ी हेल्प कर देते हैं ताकि अंदर घुसे, अंदर
पाने तक इसको प्रेस कर दिया है। और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि हमने जो फ्लैक्स ऑयल डाला हुआ था जो पानी के अंदर, उसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो आप देख रहे हैं ये पूरा गल चुका है, यानी लगभग सा गल गया है। तो इस तरह से हमारे जो शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जो जमता है उसको ये फ्री कर देता है, और उसको ये गला करके मल के साथ इसको बाहर निकाल देता है। साथ ही साथ हम बात करते हैं फ्लैक्स ऑयल की, तो इसके अंदर 50 से 60% जो ओमेगा 3 होता है, और इसमें ओमेगा 6 भी 18 से 20% तक होता है। और ये शरीर में हाई बीपी लो बीपी को भी संतुलित बनाए रखने में, और खून की नलियों में जितनी भी जो जमा जो ये वसा इस तरह से है वो इस तरह से पिघल के ये पिघला देता है। और जो एक बड़ी समस्या है जो डॉक्टर से जो ऑपरेशन तक की समस्या होती है, उससे भी काफ़ी हद तक छुटकारा दिला सकता है। अगर वो उसकी शुरुआती स्टेज है तो हो सकता है कि वो ऑपरेशन उसी से पूरी मुक्ति मिल जाए। तो हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ जो हमारा जो फ्लैक्स ऑयल था वो पूरा गल चुका है, वहीं दूसरा हम देख रहे हैं कि हमने इसको प्रेस भी कर दिया है, ये ज्यों का त्यों है। इसको देख रहे हैं, ये ज्यों का त्यों ही है। हमने इसमें और एक बार डाल देते हैं ये पानी के अंदर, लेकिन ज्यों का त्यों है। अब हम क्या करें, एक और देखें कि क्या इसको हम फ्लैक्स ऑयल वाले में इसको अब डालें तो क्या इसको भी ही गिरा देगा। हालांकि देखा कि हमने बस में पहले एक और थर्माकोल है वो पूरा गल चुका है, तो हम क्या करते हैं इस थर्माकोल को भी जो हमारा जो यहाँ नहीं गल रहा था उसको भी हम जो हमारा फ्लैक्स ऑयल है उसके अंदर हम इसको डाल देते हैं और फिर देखते हैं प्रक्रिया क्या होता है। तो हमने क्या है कि इसको भी इसमें डाल दिया है जहाँ हमारा फ्लैक्स ऑयल वाला गिरा हुआ था। फिर हेल्प कर देते हैं इसकी, इसकी जो साइज है मैं इसको अगर बाहर निकालूं तो इसकी साइज जो है आधी से भी कम हो गई है। तो ये जो अलसी का जो बीज है उससे निकला हुआ तेल है जिसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 और लिग्नान जिसके अंदर रहता है। अब बात है कि ये क्या अलसी का तेल हम अपने घर से जो दुकान से ले सकते हैं। देखिए, दुकान और बाहर मार्केट में मिला हुआ अलसी का तेल जो एक लोअर लेयर से बना होता है, यानी उसका जो कहते हैं ना हम जो पोषक जो चीज़ें होती है वो निकल के एक तरफ जो है आ जाती है, और जो बाकी का बचा होता है वो कहीं ना कहीं हमें मिलता है, तो वो इतना लाभदायक नहीं रहेगा जितना कि हम जो ये सुपर क्वालिटी की लेयर से निकला हुआ जो अलसी का बीज है उससे निकला हुआ जो तेल है इसको ही इस्तेमाल करें। और इतने आपको फ्रंट कैमरे में अगर सही नहीं इसको अब देख पाए हो तो मैंने इसको बैक कैमरा के साथ आपको, ये हमने जो लिया है थर्माकोल, और थर्माकोल के अंदर ये हमारे पास अलसी के एक कैप्सूल फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल, और इसको मैं क्या करता हूँ इसके ऊपर डाल देता हूँ। और हम देखते हैं इसकी क्या प्रोग्रेस करता है। ये इतना बड़ा जो थर्माकोल था जो आप देख रहे हैं कि ये ख़त्म सा हो रहा है धीरे धीरे। तो इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमता है उस कोलेस्ट्रॉल को ये इस तरह से पिघला करके फ्री कर देता है ताकि जो रेड सेल्स हैं हमारी वो बिल्कुल प्रवाहित रहें, हमारे पूरे शरीर के अंदर उसका जो सुचारू रूप से उसका प्रवाह रहें। और इसके लिए अलसी का तेल जो बहुत पौष्टिक है शरीर के लिए, और इसको हमेशा हम खाने के साथ ले सकते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे कि जो एक खत्म सा हो गया है लगभग, इसको देख रहे हैं। तो हमेशा आप अपने खाने के साथ इस फ्लैक्स ऑयल का इस्तेमाल करें। और तो आप ये देख सकते हैं कि ये कंप्लीट जो पूरा खत्म सा हो गया है, यानी पूरा तेल बना लिया इसको जो पूरा जो थर्माकोल था। साथियों, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हमेशा हमें
हमारे भोजन के साथ लेने चाहिए। देखिए वेस्टीज जो है, वेस्टीज के जो हेल्थ केयर के जो प्रोडक्ट है वो कोशिक के पोषण पद्धति पर काम करते हैं, यानी कि जो हमारा शरीर है वो 63 खरब कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और इसमें हमें रोज 46 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, पर्याप्त मात्रा में विटामिन है, पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स है, पर्याप्त मात्रा में फैट है, पर्याप्त मात्रा में फाइबर्स हैं। ये सब विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, मिनरल और फैट और फाइबर, ये हमें हमारे शरीर को प्रतिदिन चाहिए चाहिए, लेकिन मिलता क्या है? तो आज देखते हैं कि जो हवा है वो प्रदूषित हो चुकी है, जो जल है वो प्रदूषित हो चुका है, जो खाना है, जो भोजन जिसको हम कहते हैं, वो एक मिलावट के बिना आज तैयार नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में हमें ये प्रोडक्ट लेने चाहिए, क्योंकि ये प्योर नेचुरल प्रोडक्ट है, 100% नेचुरल प्रोडक्ट है, और हम जो कुछ शिकार हो चुके हैं दुर्व्यसनों के, यानी कुछ मदिरा कह लीजिए, उसको तंबाकू कह लीजिए, तो ऐसे में जो हमारे शरीर की जो इम्यून पावर है, हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक की क्षमता जो धीरे धीरे कम हो रही है, उसके लिए हेल्थ केयर की एक रेंज है, बहुत इस पूरी रेंज को हम नहीं कह पाते, लेकिन जो जो हमें नीड है वो प्रोडक्ट्स हमें लेने चाहिए, क्योंकि जो हमें 46 प्रकार के पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत होती है ना, वो हम पर्याप्त मात्रा, क्योंकि एक रोटी खाते हैं तो उसमें 1 ग्राम का प्रोटीन मिलता है, तो हम अगर प्रोटीन जितना हमारा जो वेट है उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोटीन होना चाहिए, तो क्या इतनी हम रोटी खा सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास यही एक प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर के कुछ प्रोडक्ट नेचुरल हैं, वो कुछ ना कुछ जो फ्रूट्स हो गए, जो काई हो गई, और इससे बने हुए होते हैं, जिसमें किसी प्रकार कोई केमिकल्स नहीं होता है, ये एक औषधि जो पोषक तत्व हैं उससे मिलकर ये बने होते हैं। तो हमेशा इसको एक भोजन की तरह लें। मैं अगर आपको बोलूँ कि आपको एप्पल खाना चाहिए, तो अब ये पूछेंगे एप्पल क्यों खाना चाहिए, तो और ये चीज़ क्यों खाना चाहिए, तो बस वही चीज़ है कि ये जिस तरह से हमने डेली जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट आपको बता रहे हैं उसको आपको अपने भोजन के साथ लेना चाहिए, क्योंकि 63 खरब अगर हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं हैं, तो हमें उनको पोषण देने के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो सारे कोशिका की पद्धति पर हैं, क्योंकि सबसे पहले कोशिकाएं से उत्तक और उत्तक से अंग और अंग और सब वो जब जुड़ करके और पूरा एक सिस्टम बनाते हैं, और इस सिस्टम से बनता है पूरा बॉडी। तो हमारे पास पूरे बॉडी के लिए, कंप्लीट बॉडी के लिए हमारे पास अलग अलग प्रकार के हेल्थ प्रोडक्ट की रेंज है, जिसको आप लीजिए।